अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री को जरूर देखनी चाहिए। बिहार के सीतामढ़ी का एक युवक अच्छी नौकरी छोड़कर उनका सपना पूरा करने में जुटा है। सरकारी योजना की मदद से किसानों की आय दोगुनी नहीं 10 गुनी करने की कहानी है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये लहलहाते खेत बिहार में सीतामढ़ी के बरखी गांव में है। ये हरे भरे खुशहाल खेत जिज्ञासु सिंह के हैं, जो आज से 4 साल पहले 2016 में रांची के एक बड़े प्राइवेट फर्म में काम करते थे। आज जिज्ञासु अपने गांव में रहकर केले और धान की खेती करते हैं, जिसमें उन्होंने आधुनिक मशीन और तकनीक का इस्तेमाल किया है। जिज्ञासु ने सरकार की कृषि प्रोत्साहन योजना के तहत सौर ऊर्जा से चलने वाली स्प्रिंकलर और कृत्रिम बारिश करने वाली मशीन ली और उसका इस्तेमाल खेती करने में कर रहे हैं। इसमें ये फायदा है कि बेसिकली इंसान जो है हम लोग खेतों में जाते हैं खाद छींटने लेबर द्वारा, यहाँ पर आप खाद एक वेंचुरी के माध्यम से आप जो है इस पाइपलाइंस के थ्रू आप अपने खेतों तक पहुँचा सकते हैं। जिज्ञासु बताते हैं कि सरकार से ये बेहद काम की मशीनें 90% सब्सिडी पर मिली है, जिससे उन्हें बड़ा फायदा मिला है। बेसिकली इसकी जो लागत आती है वो लगभग 1.5 लाख, 1.75 लाख के आसपास में आती है, पर गवर्नमेंट जो है इसमें 90% सब्सिडी देती है। ये गवर्नमेंट की सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। शहर में प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी करने वाले जिज्ञासु के लिए खेती करना आसान नहीं था, पर उन्हें ये फैसला क्यों लेना पड़ा जानिए। पिता की खराब तबीयत होने की वजह से जिज्ञासु को गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन गांव में जिज्ञासु के लिए कोई काम नहीं था। जिज्ञासु कहते हैं कि खेती के लिए उन्हें गांव की कृषि सलाहकार से प्रेरणा मिली और इंटरनेट से पढ़कर जिज्ञासु ने खेती करना शुरू किया। पूरे गांव में या मेरे पूरे अपने सर्कल में किसी ने केले की खेती नहीं की थी, तो मुझको तो ये समझना था कि इस खेती को करूं तो करूं कैसे। तो इस पर मैंने फिर गूगल का मतलब सोशल मीडिया साइट का सहारा लिया और स्टडी किया। स्टडी करके मेरे को समझ में आया कि 2 केले के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, उसमें कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, कब उनको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, कब उनको जड़ में डाल सकते हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करके फिर मैंने उसी रूप में सारे काम को किया। परंपरागत खेती को मॉडर्न और ऑर्गेनिक तकनीकी से खेती करने से जिज्ञासु अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हंसते हुए जिज्ञासु कहते हैं कि मैं पीएम मोदी के सामने अपनी कमाई 10 गुना बढ़ाकर सामने जाना चाहता हूं। सिर्फ अगर केले की खेती के विषय में मैं आपसे चर्चा करूं तो इससे सब खर्च काट करके जो आमद आती है 3.5-4 लाख रुपए सिर्फ केले की खेती से आती है। केले की खेती से आती है और बाकी खेती अगर जोड़ लें तो बाद बाकी से 10-12 लाख रुपए सालाना मैं शायद कमा लेता हूं। कि मैं 2022 तक अपनी आय को 10 गुनी करके उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करके दिखा दूं। जिज्ञासु को अपना ऑफिस का काम छोड़ने का कोई गम नहीं है। कोरोना संकट में लोगों की नौकरियां जाने के सवाल पर जिज्ञासु कहते हैं कि खेती में मेहनत जरूर है, लेकिन सरकारी योजनाओं का अगर सही लाभ मिले तो मुनाफा भी बहुत है। सीतामढ़ी से संवाददाता आदर्श सिंह की रिपोर्ट। ये किस तरह से आप इसको प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ये आपकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। और मैं तो सिर्फ आज के युवा से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हम लोग एक आदि हो गए हैं एक कल्चर के, एक सोसाइटी के, हम लोग उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा।